तीन सालों से पेयजल को तरस रहा है दुर्ग निगम का करहेडी वार्ड, जहां वार्डवासी अमृत मिशन योजना के तहत बिछाए गए पाइपलाइन से पानी आने का इंतजार कर रहे हैं, जिसका अब तक महापौर और विधायक ने कोई सुध भी नहीं ली है। विकास कार्यों के बलबूते स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान पाने का दम भरने वाले दुर्ग नगर निगम की वास्तविक तस्वीर नगर निगम के वार्ड 15 करहेडी में साफ देखने को मिलेगी, जहां विकास के नाम पर अमृत मिशन योजना के तहत पानी टंकी का निर्माण कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने वार्ड में पाइपलाइन तो बिछाई गई, लेकिन पिछले 3 सालों से इन पाइपलाइनों में पानी की एक बूंद तक नहीं पहुंच पाई है। कुछ ऐसा ही हाल यहां की साफ सफाई का भी देखने को मिलेगा, जहां टूटी नालियों में भरा गंदा पानी वार्डवासियों को बदबू व मच्छरों के साथ बीमारियों की सौगात देता रहा है। वार्ड के निवासी यह बताते हैं कि पेयजल व्यवस्था करने जब भी वार्ड पार्षद से संपर्क किया जाता है तो वे जल्द ही किसी बड़े नेता के हाथ लोकार्पण करने की बात कहते हैं, लेकिन पिछले 3 सालों से महज आश्वासन ही मिलता रहा है। निगम के वार्ड 15 करहेडी के निवासियों की समस्या महज पानी तक ही सीमित नहीं है, उन्हें शासकीय राशन प्राप्त करने के लिए भी 3 किलोमीटर तक का रास्ता तय कर जाना पड़ता है, जिसे लेकर गाँव की महिलाएं शहर विधायक व निगम महापौर के विकास कार्यों की बात से काफी नाराज है। उनका साफ कहना है कि ये वार्ड निगम का हिस्सा तो जरूर है, लेकिन निगम प्रशासन ने अब तक उन्हें मूलभूत सुविधाओं से हमेशा वंचित रखा है। साथ ही वार्ड में रोशनी किए जाने के उद्देश्य से लगाए गए लाइटें भी काफी लंबे समय से बंद पड़ी हुई है, जिसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीराज बाकलीवाल तक पहुंचे और किस तरह अपनी बात पहुंचाई जाए, सिर्फ कागजों में ही इस वार्ड के लोगों की समस्याएं हल हो रही है। इस संबंध में न्यूज टीम को वार्डवासियों ने अपनी पीड़ा बताई। हमें खरीद के दूसरा से मतलब पानी पीते, दूसरा से खरीद के पानी पीते, और दूसरा ये नाली है, नाली पूरा पटाया है, पाइप गड़े है, नाली पूरा पट गए है ना। उनके बाद में फिर ये करेगा, ये रही से पार्षद ने बोल रहे हैं कि मतलब चालू कराए कि क्या, तो चालू नहीं कराए, बंद पड़े हो जिन्होंने ये सौर ऊर्जा वाले बनाए थे। क्या बोलती पार्षद? बंद पड़े पार्षद, क्या बोलते, बोलते हैं तो क्या कहते हैं, हो जाएगा ना, हो जाएगा, पर कहते अब कहा कोई बातें नहीं बोले। जब पार्षद बनी थी बोल रही थी कि यहाँ पे राशन का दुकान खुलवाएंगे करके, लेकिन उसको बने में कितना दिन हो गया, लेकिन वो एक तो यहाँ राशन कार्ड का दुकान भी नहीं है, सब लोगों को उधर जाना पड़ता है, यदि समय में नहीं पहुँच पाए तो फिर वो राशन लास्ट तक मिलता भी नहीं, ऐसा भी हो जाता है, कभी शक्कर खत्म, कभी नमक खत्म, बार बार कितनी बार खा जाए, तो कभी जाओ तो कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता। यहाँ अगर खुल जाए तो सबको सुविधा हो जाएगी, और जैसे जगह जगह शिविर लगा था राशन कार्ड के लिए, उस टाइम पे भी यहाँ नहीं लगा, राशन कार्ड का शिविर नहीं लग पाया, तो बहुत लोगों का कार्ड भी नहीं बन पाया। पानी यहाँ सब सेप्टिक पानी यहाँ पे बहुत गंदगी है, और जो पानी जाते ना वो पानी बहुत दल दला है, इतना गिरा गई है, मच्छर सब बच्चा पड़ नहीं पाए, इतना पूरा नाली बनी नहीं है, और रोड भी बनी नहीं है, आधा बनी है रोड है, पानी इतना बदबू देते, पूरा दल दल भरा है, बहुत परेशानी, सब सिकोला बस्ती जाते राशन लाए बार पैदल यात्रा करना पड़ते, कोई गाड़ी लगा जाते, रोजी रोटी मार के दिन भर राशन में राशन के लिए टाइम पास करते, तो बहुत दिक्कत है यहाँ राशन। यहाँ पानी बहुत दिनों से नहीं आ रहा, हम जब से आए हैं तब से पहले तो नल बोरिंग से भर रहे थे, लेकिन अभी जो बना है वो चालू तो नहीं हो रहे हैं, पानी नल जो आते हैं, एक दिन टंकी सफाई करने के लिए चालू किए थे, जब पार्षद आई थी यहाँ तो हम लोग बोले थे मैडम जी पानी का बहुत समस्या है, जिसके जिसके घर में नल है बोर है उससे पानी लेकर भरते हैं यहाँ की बहू बेटियाँ, तो आप नल को चालू कराइए करके हम बोले, तो वो बोली कि ठीक है हम टंकी साफ करवा रहे हैं, तो कोई नेता आएगा उससे हम उद्घाटन करवाएंगे उसका, और उद्घाटन करवा के चालू करवाएंगे करके बोले, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ, और एक दिन चालू भी किए थे। पानी समस्या भी है यहाँ, पानी 3 साल से नल लगा है अमृत मिशन वाला, बाकी 3 साल के बाद एक दिन हम लोग बोले अरुण हो रहा है तो उसकी पानी के लिए नल लगा है सर, पानी चालू करवाइए ऐसे करके, तो उन लोग उसी दिन चालू कराए, तहस नहस हो, जहाँ नल खुला था पूरा भर गया था वहाँ, उसके बाद चालू नहीं हो रहा है ना, तो कैसे करे बताओ ना, तो पानी में पैसा भर रहा था, पानी के लिए पैसा ना देख के पानी भरते हैं सब गरीब लोग, बताओ कोई गर्भवती है तो उसे पानी भर रहे हैं, तो समस्या हल ही नहीं हो रहा है, जब से हम लोग 12 साल में शादी हो रहा है पानी का समस्या बहुत ज्यादा है यहाँ। तो लगातार विकास का दावा करने वाले कब इस वार्ड की सुध लेते हैं, ये तो समय रहते पता चलेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।